पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री परवेज मुशर्रफ के रिलेटिव के परिवार में हुई शादी में कुछ दिन पहले सिंगर मीका सिंह ने परफॉर्म किया था। इसके बाद से देश भर के लोगों का उनके प्रति गुस्सा देखने को मिला। इसके बाद ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने मीका को बैन तक लगा दिया। हालांकि माफी मांगने के बाद उन पर भी बैन हटा दिया गया। इसी बीच पूर्व बिग बॉस विनर शिल्पा शिंदे सिंगर के सपोर्ट में आई है, साथ ही उन्होंने पाकिस्तान में परफॉर्म करने का ओपन चैलेंज भी दिया है। शिल्पा शिंदे ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर मीका सिंह का सपोर्ट करते हुए कहा कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, जो कुछ भी उन्होंने किया है वो बिल्कुल सही है। इसके अलावा शिल्पा इस बात से खफा नजर आई कि मीका ने इसके लिए माफी मांगी। शिल्पा शिंदे ने कहा कि मैं इस बात से काफी हताश हूँ कि मीका सिंह ने तब सॉरी कहा जब उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, पर मैं यह भी समझ सकती हूँ कि कितने प्रेशर में आकर उन्होंने सॉरी बोला होगा। शिल्पा शिंदे ने कहा कि मैं इन फेडरेशन से पूछना चाहती हूँ कि कोई लीगल बॉडी न होने के बावजूद इन्हें किसने ये राइट दिया है कि वे किसी कलाकार पर इतना दबाव बना दे कि उसे बिना किसी कारण के सॉरी बोलना पड़े। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, पर मैं पीछे नहीं हटी थी। आज मैं ऐसे किसी फेडरेशन से नहीं जुड़ी हूँ और मुझे लगातार काम मिल रहा है। ऐसे लोगों के साथ काम न करने का मेरा निर्णय सही रहा। शिल्पा ने कहा कि मैं मीका का सपोर्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि दादागिरी अब खत्म होनी चाहिए। मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा कोई भी कानून नहीं बना है जो आपके काम करने से रोकता हो। मुझे नहीं पता कि वे पाकिस्तान जाकर अब परफॉर्म करेंगे या फिर नहीं, पर मैं तो जल्द ही पाकिस्तान के लिए वीजा अप्लाई करने जा रही हूँ और वहां जाकर शो में काम करूंगी।